हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मेरा पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं गया और कल भी मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, आज बना रही हूँ। और अभी टाइम जो हो रहा है ना, टाइम क्या हो रहा है, 1:15 हो रहा है, बताओ जरा, 1:15 हो रहा है। अभी घर का काम नहीं हुआ है और खाना वाना कुछ ही नहीं हुआ है, सिर्फ सुबह से जो है चाय बिस्किट ले लिए थे और गुड्डू सुबह उठ के जो है वो बना आटा गूंद गई थी और चाय बना गई थी, बर्तन धो दिए थे उसने, फिर ये उठे, इन्होंने देखी मेरी हालत ठीक नहीं थी तो फिर ये नाश्ता बना दिया इन्होंने अपने लिए और दोनों बेटों के लिए, बना के खा के चले गए थे। और मेरी कल पता नहीं क्या हुआ, एक तो पता नहीं मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, तनाव कर रही हूँ, क्या हो रहा क्या नहीं। मेरा कल रात को 8:30-9 बजे के बीच में मेरा पेन उठा यहाँ पे, इतना भयंकर वाला माइग्रेन का, बहुत भयंकर वाला था। तो उस समय तो ये सोने चले गए थे दूसरे रूम में, फिर मैंने इन्हें बोला नहीं क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये साल ना हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल भी बिल्कुल सही नहीं जा रहा हमारा ये वाला साल ना। तो फिर मैंने बेटे को भेज के जो है स्टोर से दवाई मंगवाई अपने लिए, मैं दरवाज़ा बंद करूँ, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और फिर उसे भेज के मैंने दवाई मंगवाई, दवाई खाई मैंने और फिर जो है रात को कुछ नहीं बनाया था, तबीयत ऐसी हो रही थी, मैगी बना ली थी गुड्डू ने तो मैगी खा ली थी बच्चों ने, और दिन की दाल रखी थी तो रोटी सेक दी थी गुड्डू ने, तो वही खाई। और फिर दवाई ले आया था, दवाई मैंने ले ली थी माइग्रेन की, तो फिर जो है मैं थोड़ा आराम हो गया था, मैं फिर खा पी के सो गई थी। फिर 3:15 बज रहे थे उस समय और मुझे, मैं ना इस करवट ही सो रखी थी और इतना भयंकर सा लगा जैसे मेरा ये हिस्सा ना निकल गया हो, और बहुत अजीब सा लगा। फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, मुझे ऐसा लगा मैं सपने में हूँ, सपने में हो रहा है। फिर काफ़ी देर तक 15-20 मिनट तो होता रहा, फिर मैंने करवट लिया, करवट लेते तो मेरा बहुत हो गया, तो यूँ फिर मैं उठी, वॉशरूम वगैरह गई तो फिर मैं रोने लगी, बेटी उठ गई गुड्डू कि मम्मी क्या हो, मैंने कहा मेरे बहुत दर्द हो रहा, तो फिर मैंने ये कपड़ा बांधा सिर में, उनने फिर मालिश करी मेरे सिर की, दवाई थी नहीं जो मैं खा लेती, दवाई की खुराक मंगवाई थी। और मेरी 3:15 बजे से जो हालत ख़राब हुई, 5 बजे तक मेरा जो था इतना भयंकर वाला दर्द था ना, ऐसा लग रहा था मेरी जान अब निकलेगी और अब निकलेगी, बहुत भयंकर वाला दर्द था। फिर रात को ही मैंने फ़ोन में सर्च करा कि इस दर्द से क्या लक्षण होते हैं, किस वजह से होता है, क्योंकि बहुत हो रहा था, और जो गूगल पर सर्च करो तो बहुत कुछ निकल कर आता है। फिर मैं लेट गई सुबह, फिर गुड्डू को पता ही था मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने उठ के फटाफट काम करा, इन्हें नहीं पता था, ये देख रहे कि 8:30 हो गए, गुड्डू स्कूल भी जा चुकी थी कि 8:30 हो गए, अभी तक चाय वाय कुछ नहीं। फिर आके इन्होंने देखा कि तबीयत ख़राब हो रही है, क्या है, मैं रोने लगी, बहुत रोई, मैंने कहा सच में मेरे बहुत, या तो मेरे कुछ हो रहा है, कोई बीमारी कुछ नहीं। फिर चाय दी इन्होंने, ना बिस्किट दिए वो खाए, दवाई दी वो खाई, फिर मैं लेट गई, इन्होंने नाश्ता वगैरह बनाया, खा के चले गए। फिर मैं अभी लेटी हुई थी, 1:15 बज गया, 1 बज के 12:30 बजे ही मैं उठने गए था, मतलब लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी, लेट गई थी। और फिर मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं, कुछ बनाया नहीं है बच्चों के लिए, 1:15 हो गया, भूखे भी हैं बच्चे, तो बस अनिकेत तो कह गया मम्मी खिचड़ी बना लेना, और क्या बनाओगे, पता नहीं शरीर पूरा वो हो रहा है, ऐसा नहीं मुझे नीचे शरीर में कोई दुख नहीं है, फीवर नहीं, कुछ नहीं, पर मेरा ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा निकल के पड़ रहा है, बहुत हो रहा है। तो मैंने कहा काम कर लेती हूँ, काम तो करना ही है, लड़की स्कूल जाती है फिर आके काम करेगी, थक जाएगी, ट्यूशन भी जाना होता है उसे, रास्ता तो पैदल ही गई है वो है, बिस्तर इकट्ठा करना है, झाड़ू लगानी है और रजाइयाँ देखूँगी, धूप में डालूँगी क्योंकि ठंड में रात को सी ओस से ना ठंडी हो जाती है, अब रजाइयाँ खोल डालने मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, देख तू खाने में क्या बनाना है, करती हूँ धीरे धीरे, पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ठंडा हो रहा है, अजीब सही हो रहा है, पोछा नहीं लगाऊंगी। कृष्णा कॉलेज जा रखा है, वो भी आने वाला है, पेपर चल रहा है उसके।
खिचड़ी छोंक दी मैंने, बन जाएगी, बच्चे खा लेंगे। अनिकेत कृष्ण आ गया, अनिकेत को भूख लग रही थी तो खाना ढूंढ रहा था। ये भी आए थे देखने कि मैं ठीक हूँ कि क्या। चले गए हैं भी, शाम को हमें ना कहीं पार्टी पे जाना है। तो अभी देखते हैं अभी गुड्डू आएगी क्या है कैसे, नहीं जाना जरूरी पड़ेगा। जाए बेटा, मिल गई थी। देखा कौन सी लाया, दूध तो फ्रिज में रखा ना। ये जहाँ से लाया ना उसी को दो, ये सिक्के कहीं नहीं चल रहे। चलते थे नहीं चलते, लोग उठा उठा के फेंक रहे हैं ना। तू कह रहा कि चलते हैं, जहाँ से लाया उसी को देकर आई हो तो भैया ये नहीं चलते, हमें ना चलती है। आप आ गए? कैसे आई है, मतलब चार अच्छे की खुराक है? गोली ले रहा हूँ, दर्द दर्द ढेर उठने लग गया मेरे, दर्द पानी गर्म करूँ पहले पीने के लिए। पानी गर्म कर लिया, गोली खाऊंगी। एक तो ना मैंने इसे इस बार बुनाई नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैंने दो स्वेटर घाल लेते कि बनाऊंगी, एक तो यह है गुड्डों के लिए बना रही थी, स्कूल के लिए हाफ स्वेटर कोट पहनती है तो उसके अंदर पहनने के लिए बना रही थी। ये भी नहीं बनाया गया, और एक ये मैंने शुरू करा था इनके लिए हाफ स्वेटर, काम वाम करते हैं तो है, वैसे एक ही है हाफ स्वेटर पर उसका रंग उतर गया है, अब इनके लिए तो चाहिए चाहिए। कलर सही रहते हैं, मेले भी होते हैं ना तो फिर सही रहते हैं। एक मैं बनाऊंगी ब्लैक कलर में बनाऊंगी फुल स्वेटर, वही बनाऊंगी। तो अभी तो जो है ये ब्लू वाला पूरा करना है क्योंकि ठंड आ रही है और स्कूल जाती है लड़की, कोट के अंदर पहनने के लिए चाहिए चाहिए। अब पिछले जाड़े में तो मैंने बहुत बुना थे,
एक कमल और डालूं धूप में ना उसके पापा का। तो आप भी आ जाओ खाना खा लो, खिचड़ी बन गई है और साथ में ले ली है थोड़ी सी चटनी। दही मैं लूँगी नहीं, ठंडा है और मुझे वैसे भी दही अच्छी लगती नहीं है ज़्यादातर। तो जी खाना तो मैंने खा लिया है और दवाई भी खा ली है, वो थोड़ी देर लेटूंगी अब। और टाइम हो रहा है 2:45 हो रहा है और गुड्डू भी आ जाएगी, फिर देखते हैं शाम का क्या है। कैसे जाना तो ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि पूजा भी है और वो खास है इनके, तो वहाँ जाना भी पड़ेगा। और अभी मैंने एक वीडियो जो है वो एडिट किया है और बस उसे अपलोड करूँगी, भेजूँगी और फिर इस वीडियो का करूँगी एंड। और थोड़ी लेटूँगी तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय।